सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामलार सुनानी करी राम मंदिर सपक्षरे राय देबा परे रविवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बैठक करी। बैठक परे एक सांबादिक सम्मेलनी करी सुप्रीम कोर्ट रो राय को नहीं रिव्यू पिटीशन दिया बोली कही। एहासह अन्य स्थान रे मस्जिद तैयारी को सेमाने मना करी। बोर्ड रो कहिबा अनुसार सेमाने विवादीय स्थान पर लड़े करिथिले, कौनसी अन्य स्थान पर सेमाने लड़े करिनथिले। गंबुज तले राम जन्म होइथिबार कौनसी प्रमाण नथिबा मध्य सांबादिक सम्मेलन रे प्रकाश करा जाइथिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक अहम हंगामी मीटिंग आज तारीख 17 नवंबर 2019 को बोर्ड के सदस्य हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदीम की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले 9/11/2019 के बाबत तफ्तीली गुफ्तगू की गई। वर्किंग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले 9/11/2019 को दिए गए मुद्दे बातें खास तौर से देर बैठ है। नंबर एक, बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर के कमांडर वीर बाकी के जरिए 1528 में हुई थी, जैसा कि मुकदमा नंबर 5 के परिचय ने अपने मुकदमे के अर्जी दावे में खुद माना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल किया है। नंबर दो, मुसलमानों के जरिए दिए गए सूर से ये वादे है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का अंदरूनी शहर मुसलमानों के कब्जे और इस्तेमाल में रहा है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। नंबर तीन, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। नंबर चार, 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामचंद्र की जो मूर्ति रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो हिलन था। नंबर पांच, बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे की जमीन रामचंद्र जी की जाय पैदाइश यानी धर्म स्थान की शक्ल में पूजा किया जाना साबित नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग से वो बता रहे हैं। लिहाजा सूत्र नंबर 5 के करीब नंबर 2 जन्म स्थान को रामलला का सूत्र नहीं रामलला का राजा लिहाजा सूत्र नंबर 5 के करीब नंबर 2 जन्म स्थान को डीटी नहीं माना जा सकता। नंबर 6, मुसलमानों के जरिए दायर करदा मुकदमा नंबर 4 मियाद यानी लिमिटेशन के अंदर है और जरूरी तौर से डिग्री किए जाने के लायक है। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी राय दी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के साथ हिंदुस्तान के सेकुलर आइन के खिलाफ था। नंबर 8, जिदाई इमारत डिस्प्यूटेड साइट डिस्प्यूटेड बिल्डिंग में क्योंकि हिंदुओं की सैकड़ों साल से इमारत यानी पूजा करते रहे हैं, इसलिए पूरी जिदाई जमीन की इमारत पूरी इमारत की जमीन मुकदमा नंबर 5 के सही नंबर 1 भगवान श्री रामलीला को दी जाती है। नंबर 9, क्योंकि लड़ाई यही मुकदमा नंबर 5 के सही नंबर 1 को दी गई है, इसलिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मरकजी हुकूमत के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए या तो अक्वायर्ड है अक्वायर्ड 57 एकड़ लैंड में दिया जाएगा या दुबई हुकूमत के जरिए स्टेट गवर्नमेंट के जरिए अयोध्या में किसी दूसरी अहम प्रॉमिनेंट प्लेस पर दी जाएगा जिस पर वो मस्जिद बना सके। ये वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए दिया है, जिसके मुताबिक मशकूरा 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए जाने का हुक्म साबित किया है। नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात भी तस्लीम की कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मीटिंग में यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग जो है आप सब हुई मीटिंग में इस बात पर भी गुफ्तगु हुई कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्तियां रखे जाने के ताल्लुक से एफआईआर और हुकूमत उत्तर प्रदेश डीएम फैजाबाद और एसपी फैजाबाद के जरिए मुकदमा नंबर 1 और 2 में दाखिल जवाब दावा में यह माना जा चुका है कि मस्कुरा मूर्तियां जो आयोजन के अंदर रखे गए थे चोरी से या जबरदस्ती रखी गई थी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 नवंबर 2010 के फैसले में ही
मसूरा मूर्तियों को देती नहीं माना था। मसूरा वाला हालात में आज की मीटिंग में यह महसूस किया गया कि अदालत उसमें के मसूरा वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी तजाद है, सेल्फ कंट्री है, बल्कि कई मुद्दों पर यह फैसला समझते परे है और पहली नजर में गैर मुनासिब मालूम होता है। मजलिस अमला खास तौर से 10-10 बातों पर फॉलोइंग पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता है। नंबर एक, जब 22 और 23 दिसंबर 1904 की रात में जबरन यानी बायकोट जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को डीटी कैसे मान लिया गया जो हिंदू धर्म शास्त्र की पाबंदी डीट नहीं हो सकती। जब बाबरी मस्जिद में 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद के जरिए मुकदमा नंबर 5 यानी राम लल्ला के मुद्दे नंबर 1 को दे दी गई। नंबर 3, आईन की दफा यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मौजूद जजों ने इस बात का गौर नहीं किया कि वक्त एक्ट 1995 की दफा 104A और 51(1) के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। ये वक्त की जो आर्टिकल मैंने आसान रखी है उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न तो एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है, मना किया गया है। तो वक्त एक्ट के 10 इस कानूनी रोक यानी पाबंदी को दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के और जो फैसले दिए इससे पहले मैं ये बात वादे कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के अख्तियार मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मजलिस आला ने मस्कुरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मस्कुरा और दीगर अपरेंट एरर होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दाखिल सरकार दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत